हेलो फ्रेंड्स, लास्ट संडे का आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा होगा। इट वाज अबाउट द पावर ऑफ नो एक्सक्यूज। वो जो प्रेजेंटेशन था वो ऑलमोस्ट 90% जो था वो स्टूडेंट्स के लिए था और 10% जो है वो पेरेंट्स के लिए था। अब थोड़ा सा हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। अभी ये संडे, अभी जो आज देखने वाले हो, ये जो प्रेजेंटेशन है ये इट इज 90% फॉर द पेरेंट्स एंड 10% फॉर द स्टूडेंट्स। ये आपके लिए ज्यादा है और 10% जो है वो आपके बच्चों के लिए है। तो मैं चाहता हूँ ये हूँ कि तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि पेरेंट्स आर द लाइफ टाइम फ्रेंड्स ऑफ देयर वर्ड्स। इन शॉर्ट में कहूँ, पेरेंट्स आर द लाइफ टाइम फ्रेंड्स, ये आज का विषय है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सेशन बाय सेशन एवरी संडे जो आप तक ये सब मेरे प्रेजेंटेशंस पहुंच रहे हैं, ये वीडियोस जो पहुंच रहे हैं, ये माइबोली कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट है। ये आपके हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये एवरी संडे आप तक पहुँचते रहे। अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम आपसे बात करते रहेंगे ताकि बच्चों को भी नई नई चीजों के बारे में पता चले और आपको भी थोड़ा सा रीलर्निंग हो जाए। जो चीजें हम लोग भूल चुके हैं, पेरेंट्स के बारे में कोई लर्निंग नहीं रहेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए रीलर्निंग रहता है कि जो चीजें हम लोग भूल चुके हैं वो फिर से हमको याद दिलाना पड़ता है। तो बस ये समझ लीजिए कि आज का जो प्रेजेंटेशन है ये आपको कुछ चीजें याद दिलाने का एक हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयत्न है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा माइबोली कोचिंग क्लास जो है ये पिछले 20 साल से काम कर रहा है। 20 साल से हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब नेचुरली क्या हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये इतने सारे लोगों से हमारी मुलाकातें होती रहती है। अब इस बहाने हुआ क्या है कि इतने सारे पेरेंट्स और इतने सारे स्टूडेंट्स से मिलने के बाद में बहुत सारे नए नए अनुभव आते हैं और हम चाहते ये है कि ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस हम आप तक रखें। और उसके बाद में क्या होगा कि कुछ ना कुछ इस तरह से पेरेंटल गाइडेंस के बारे में हम लोग कुछ अच्छा ढंग से बात कर पाएंगे। अब देखिए, 20 साल से काम कर रहे हैं, हजारों पेरेंट्स हजारों स्टूडेंट से मिल चुके हैं। अब हर तरह के पेरेंट्स हमने देखे हैं। अब थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दो कि किस तरह के पेरेंट्स हमने देखे हैं। पहले वो पेरेंट्स की जो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र करते, छोटी से छोटी चीज की केयर लेते हैं, इतनी ज्यादा केयर लेते हैं कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा अगर कोई चीज भूल भी जाए तो पेरेंट्स उसको विदाउट मिस्टेक याद दिला देते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो कैटेगरी है हमारे पेरेंट्स की, वो ये है कि जिनको हम कहेंगे कि टोटली एकदम बेफिक्र पेरेंट है। वो बस स्कूल में बोलो या क्लासेस पर बोलो, बच्चों को आके छोड़ देते हैं। अब छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, बस बीच में आएंगे कभी एक बार फीस भरने के लिए या फिर आखिर में आएंगे और कुछ रहा तो भरने के लिए, बाकी फीस भरना छोड़ के और वो किसी कारणवश स्कूल या क्लास ये दोनों जगह पर नहीं जाते हैं। बच्चा जो करेगा वो करेगा, दैट्स ऑल, यही उनका कहना है। उसकी तरफ ध्यान क्या देना पड़ता है बच्चों की तरफ, यार वो अपना करेंगे, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट होने वाला है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तीसरा जो ग्रुप है पेरेंट्स का वो ये है, वो कहते हैं कि अब जो है जैसा है वैसा है, अब ये हमारा बच्चा है, ये इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, अब आप देखिए आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, ये हो गया इसका तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। चौथा ग्रुप जो है वो उन पेरेंटों का ग्रुप है कि जो स्कूल से या क्लासेस से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, बहुत ज्यादा अपेक्षा रहते हैं कि उनका, यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिए, जिनके बच्चे थोड़ा वीक रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो यहाँ आके पहले ही बोल देते हैं कि ये सब आपके भरोसे छोड़ रहे हैं सर, इसको मैथ्स नहीं आता, इसका इंग्लिश नहीं आता, इसका संस्कृत नहीं आता, ये इसकी पढ़ाई बराबर नहीं है, ये मोबाइल बहुत खेलता है, अब इतने सब चीजें करता है, इसको पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और आखिर की लाइन से भी बोल देते हैं, लेकिन बच्चा जो है ना सर, वो अभी आपके भरोसे कर दिया है, अब आप देखिए, हमको मालूम है कि ये अच्छा मार्क अभी आखिर में लाने वाला है। ये कौन सी कैटेगरी हुई, ये वो कैटेगरी है कि जो बोलते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा अपेक्षा है,
अब हमारी अच्छा इतना सारा बता दिया कि लड़का ये नहीं करता वो नहीं करता वो नहीं करता, और आखिर में बोलेंगे लेकिन मेरी अपेक्षा है कि इसने अच्छा काम करने को, अच्छे मार्क्स मिलने को। ओके फाइन। कुछ और पांचवी कैटेगरी हमारे पास में ये है, ऐसे पेरेंट्स कि जो समझते हैं दे आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वो जितने भी बार स्कूल में जाएंगे, जितने भी बार क्लास में आएंगे, वो मैक्सिमम टाइम आपको नए नए सजेशन देते रहेंगे कि सर ये तो आपका ठीक है लेकिन इसके बजाय ये किए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट। अब हमको क्या है कि सभी पेरेंट्स के साथ में चलना है, उनके सजेशन ये भी बताता हूँ मैं, कुछ कुछ सजेशन अच्छे भी रहते हैं लेकिन कुछ कुछ सजेशन जो है वो टोटली बकवास रहते हैं, इसलिए हम हाँ हाँ करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। और एक कैटेगरी है, वो कौन सी कैटेगरी है, वो कहते हैं सर इसको 100 में से 99 मार्क्स मिल गए हैं। अब 99 मार्क्स मिले हैं ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये समझ में पहले नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं सर 99 क्यों मिले, व्हाई नॉट 100। कहता है हमारा कहना ये है सर उसकी कई गलती हो गई होगी, इतना इट इज एज सिंपल एज दैट, 99 इज एज गुड एज 100। नहीं, वो एक मार्क कहां गया, समझो कोई टेस्ट ले लिया, टेस्ट में अगर ही और शी गेट्स 19 आउट ऑफ 20, ये क्या कहते हैं कि सर ये 19 कैसा, ये यहाँ पर हाफ बढ़ सकता है, यहाँ पर 3/4 बढ़ सकता है। इसका मतलब मेरा कहना ये है कि ये वो पेरेंट्स हैं कि दे फाइट फॉर ईच एंड एवरी मार्क, और मार्क्स मार्क्स और मार्क्स, जिसको बक्शी मैडम कहती है कि भाई वो मार्क्स वाली है, ये कंप्लीटली हमारे मार्क्स वाले पेरेंट है कि इनको मार्क्स के सिवा और कोई दूसरी चीज दिखती ही नहीं है। और एक हमारे पास में कैटेगरी है कि जो समझो इनके बच्चों को कभी कभी मार्क्स कम मिलते हैं लेकिन ये ऑल द वाइल जितने भी बार आएंगे, जब भी बात करेंगे या किसी एक दूसरे पेरेंट्स के साथ में भी बात करेंगे, दूसरों के बच्चों को कितने मार्क मिले, दूसरे के बच्चे कहां पर है, इसी के बारे में इंक्वायरी करते हैं। बस कॉम्पिटिटिव नेचर है, मेरा बच्चा कम है या ज्यादा है, बस इसी में इनको इंटरेस्ट है। बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे के बच्चों को मार्क्स ज्यादा मिले हैं तो इनको तकलीफ होती है, और दूसरे के बच्चों को मार्क्स कम मिले तो इनको बहुत खुशी होती है कि चलो यानी आउट ऑफ 20 इनके बच्चों को अगर 10 मार्क मिले हैं, मतलब ही और शी हैज गॉट ओनली 50% मार्क, लेकिन किसी और बच्चे को अगर थोड़ा सा कम मार्क मिले हैं तो ये खुश रहते हैं कि चलो उसको तो कम मार्क्स मिले, ये और क्या चाहिए। लेकिन इन सबसे एक और कैटेगरी अलग है कि बहुत ही सिंपल पेरेंट्स रहते हैं, ये इतने सिंपल है कि जो आप कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार है। आपने कहा कि सर इससे ये करवा लो वो करवा लेंगे, ये इस तरह की पढ़ाई करवा लो करवा लेंगे, लेकिन दे आर टू सिंपल। इनके बच्चे जो है वही थोड़े से हम कहेंगे कि थोड़े ज्यादा शैतान हो जाते हैं। अब इनको इंटरनेट का नॉलेज नहीं है, इनको फेसबुक के बारे में मालूम नहीं, इनको व्हाट्सएप के बारे में मालूम नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं इनको उठा के अपने जेब में रख देते हैं और इनको कुछ भी बताते रहते हैं। क्लासेस पर से टेस्ट हो जाती है, अब टेस्ट जो होती है उनके मार्क्स आते हैं, बच्चे इनको मार्क्स नहीं बताते, इनको फेसबुक के बारे में मालूम नहीं है, इनको व्हाट्सएप के बारे में मालूम नहीं, इसलिए कौन से लेक्चर्स आ रहे हैं, कौन से नोट्स आ रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम रहता। ये बेचारे बाद में 2-3 महीने बाद कभी आ जाते हैं पूछने के लिए, सर इसको मार्क्स कम क्यों मिल रहे हैं, सर आप लोग टेस्ट लेते नहीं हो क्या, क्योंकि ये तो मुझे कभी बताता ही नहीं है। तब हम उनको बताते हैं कि सर टेस्ट एकदम ही ज्यादा रेगुलर हो रही है, लेकिन एक ही हो रहा है कि आपका लड़का जो है या लड़की जो है ये आपको बता नहीं रही है। तो ये जो कैटेगरी है ये बहुत ही सिंपल पेरेंट्स की कैटेगरी है। तो दोस्तों मैंने लगभग एक 8-10 कैटेगरी हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक और बात, नॉर्मल पेरेंट्स के बारे में आपको बताओगे, ये कैटेगरीज आपने देख लिया, नॉर्मल पेरेंट्स किस तरह से होते हैं। एक्चुअली आप लोगों को ये पूरी तरह से मालूम है कि आपका बच्चा कैसा है, वो कितना पानी में है, उसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, वो क्या अच्छा कर सकता है, वो क्या अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी आप स्कूल में जाते हो, किसी क्लास में जाते हो, ये आपको मालूम है कि ये क्या कर सकता और ये क्या नहीं कर सकता, और राधर मैं तो ये कहूंगा कि ये आपको मालूम रहना ही चाहिए। जो लड़का आपके साथ में कंटिन्यूअसली 20 घंटे 22 घंटे घर को रहता है, उसके बारे में और किसी को कैसे जानकारी रहेगी, आपको ही जानकारी रहेगी। अब और थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट में मैं जाता हूँ,
कि बहुत से पेरेंट, नॉर्मल पेरेंट क्या समझते हैं कि जैसे हमको बच्चा हो गया, मतलब हम लोग पेरेंट बन गए, मैं आपको पेरेंट्स करके एड्रेस कर रहा हूँ, तो पेरेंट का मतलब क्या है कि बस आपको बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो आप पेरेंट हो गए। तो पेरेंट हो गए का मतलब क्या है? जो हमारे नॉर्मल पेरेंट है, जिनको मैं कहूंगा कि जो ऑलमोस्ट 90% पेरेंट है, वो क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि पेरेंट हो गए मतलब क्या है कि अब बस जब हमारा बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको क्या करना है, अच्छे अच्छे कपड़े लाके देना है, उसको अच्छे अच्छे खिलौने देना है। अब जब थोड़ी उम्र 3, 3.5, 4 साल की हो जाएगी तो उसको केजी में डाल देंगे, अच्छे स्कूल में डाल देंगे, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए कुछ नोटबुक्स बुक्स वगैरह लेके आना पड़ेगा, फिर साइकिल लेके दे देंगे उसको। और भाई ये सब जो छोटा छोटा जर्नी चल रहा है, ये जर्नी में जो स्टॉपेजेस आ रहे हैं, ये सब एंजॉय करते हैं आप लोग पेरेंटहुड। यहाँ पर आपको लगता है कि आप पेरेंट, आपकी दृष्टि से पेरेंटहुड क्या है, तो ये है। उसके बाद में जब वो स्कूल में जाने लगता है तो उसका मार्क लिस्ट घर पे आ जाती है, तो मार्क लिस्ट पे सिग्नेचर करना पड़ता है पेरेंट्स को, तो वहां जाके आपको लगता है कि यस नाउ आई हैव बिकम पेरेंट, ये मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ मेरे बच्चे के मार्क लिस्ट पर। कभी कभी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो जाती है, वहां पर आप जाते हो एज अ पेरेंट, बस यहीं पर ही आपको लगता है कि आप पेरेंट हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो 7-8 स्टॉपेजेस मैंने बताए हैं, बच्चा आपका पैदा होने से लेके, तो यूं समझ लीजिए 8-10 साल की उसकी उम्र होने तक, क्या यही सब कुछ है? इज दिस द पेरेंटिंग? अगर आपको लगता है ये पेरेंटिंग है तो ये सही है या गलत है, ये भी आपको मालूम है। अब पेरेंट्स मीट हो जाइए या अदरवाइज, आप जब भी स्कूल में जाते हो, क्लासेस पर आते हो, आप क्या करते हो? पेरेंट्स एक बात बता देता हूं कि ये जो वीडियो है, ये एज इट इज इट विल बी अपलोडेड ऑन YouTube, आप एक बार नहीं इसको 4 बार देख सकते हो, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो प्लीज नोट कर लीजिए और इसे बार बार आप देखिए, ताकि इससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। फाइन, देखिए आप जब भी क्लास पे जाते हो तो नॉर्मली क्या होते हैं, आप क्या करते हो, क्या पूछते हो, मुझे बताओ। कोई भी पेरेंट जैसे आ जाते हैं, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, नॉर्मल जो क्वेश्चंस ये रहते हैं, आ जाते हो आप, पहला सवाल कैसा है बच्चा अपना, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। अब एक्चुअली बच्चा कैसा है ये आपको मालूम है। दूसरा, पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। एवरी मंथ टेस्ट आर बीइंग टेकन, उसके मार्क्स आपको हर महीने आते हैं, आपका बच्चा कैसा है, जितने उसको मार्क मिले हैं, जितने उसने मार्क स्कोर किए हैं, वो आपका बच्चा है, वैसा आपका बच्चा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। अब अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है, अब अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये आपका तीसरा सवाल। वो क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, ये आप तीसरा सवाल के रूप में पूछते। चौथा, कोई भी नॉर्मल सवाल बोलते, सर उसका हैंडराइटिंग देखिए ना कितना खराब, तो हमारी कहने की ये इच्छा होती है कि ही इज आइदर इन 9th और 10th। अब 9th और 10th में हैंडराइटिंग दुरुस्त करने की उसकी उम्र है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मैं आपके नॉर्मल सवाल आपको बता रहा हूं। दूसरा, वो सर घर में बिल्कुल पढ़ाई करता नहीं। फाइन, ये क्या है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कन्फेशन, और रादर आई शुड से आर यू गिविंग मी द कन्फेशन ऑफ द क्राइम बीइंग कमिटेड बाय यू। बच्चा पढ़ाई नहीं करता है ये आपको मालूम है, आपके सामने वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप यहाँ आके कन्फेशन दे रहे हैं। उसके बाद का सवाल, सर वो बहुत ज्यादा टीवी देखता है, वो इतना ज्यादा मोबाइल खेलता है कि क्या बता? कहां देखता है टीवी? घर में। मोबाइल कहां खेलता है? घर में। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या रहता है, या नेक्स्ट आप जानकारी क्या देते हैं? सर उसकी कंपनी बिल्कुल बराबर नहीं है, उसके दोस्त बराबर नहीं है। अब ये आपको मालूम है उसके दोस्त बराबर नहीं है। अब क्यों दोस्त बराबर नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है,
जो समझ लीजिए ये 7-8-10 जो स्टेटमेंट्स है जो आप बताते हैं हमको आगे, वो ये है और उसमें का ये भी स्टेटमेंट रहता है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, सर आप उससे पढ़ाई करवा लो। क्या आप जानते हैं कि किसी से पढ़ाई करवा लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी क्लासेस में, कोई भी स्कूल में क्या होता है, बच्चों की कंसेप्ट क्लियर कर दी जाती है। पढ़ाई न पेरेंट्स कर सकते हैं न टीचर कर सकते हैं, पढ़ाई बच्चों को ही करना है, कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा। आपको जानकारी है, छोटा सा उदाहरण दे दो आपको, आपको मालूम है एक किसी व्यक्ति को अगर बुखार हुआ है तो क्रोसिन उसे ही लेना पड़ेगा ना, पेरेंट ने क्रोसिन लेके चलेगा क्या? अब जिसको बुखार है वही क्रोसिन लेगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, पेरेंट के क्रोसिन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। और आखिरी बार आप पूछते हो सर उसको खेलने में इतना इंटरेस्ट है, वो हमारा सुनता नहीं, खेलता ही रहता है, खेलने में ही इंटरेस्ट है। अब मुझे बताइए ये जो आपने बताया, मैंने पहला मेरा स्टेटमेंट था कि बच्चा आपका है तो इसलिए नेचुरली क्या है कि आपको आपके बच्चे के बारे में ज्यादा मालूम होना चाहिए, राइट? अब फिर आप इसके आगे किस चीज, आप हमारे पास में आए, आपने जो कुछ बताना था वो बता दिया, आपकी कैटेगरीज मैंने बताई है, पेरेंट्स की क्या क्या हो सकती है। अब जब हम थोड़ा सा आपको कुछ बताते हैं, इससे थोड़ा सा तो ध्यान आप बच्चों पर दे सकते हैं, 70% जिम्मेदारी हमारी, 30% जिम्मेदारी आपकी, तो इस पर नॉर्मल पेरेंट की क्या रिएक्शन रहती है आपको मालूम है। नॉर्मल पेरेंट की रिएक्शन ये रहती है कि सर हम उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्या आपको लगता है कि हम उनको पढ़ाते नहीं होंगे? हम भी उनको घर में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण हमको ये पॉसिबल होता नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ा पाते, नहीं तो हम क्या पढ़ाते नहीं क्या उनको, आपको ऐसा कैसा लगता है? नेक्स्ट, हम क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये आप जब भी आपके बच्चों के बारे में बात की जाती है तो ये बात आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हो, आपके टीचर्स के बारे में टीचर्स के साथ शेयर करते हो या हमारे साथ शेयर करते हो। क्या जब हम आप बोलते हैं सर पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप बोलते अपने बच्चों को, हमारे सामने मैंने बहुत पेरेंटों को बोलते हुए दिखा है कि सर हम ये नहीं कर रहा पढ़ाई, हम क्या पढ़े नहीं है? हम भी तो पढ़े हैं ना, हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, हमने भी तो कुछ ना कुछ किया है, अब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है हम क्या इसको टीचर की जैसा पढ़ाते बैठेंगे? हम क्या टीचर हैं क्या इसके? वी आर पेरेंट्स, टीचर की तरह नहीं पढ़ा सकते हम लोग इसको। और सर दूसरी बात एक है, आप क्या क्या बताते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का एजुकेशन सिस्टम जो है या फिर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, अब पुराना नहीं रहा, अब हमको तो पुराना आता है सर, अब नया नहीं आता है, अब कैसे पढ़ाएंगे फिर आप ही बताओ। और दूसरा, हम लोग सर स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छी क्लासेस में भेजते हैं, इनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करने को होना ना। और समझो आपकी अच्छी पोजीशन रही, आप कहीं मैनेजर हो, कहीं आप एग्जीक्यूटिव हो, कहीं आप डॉक्टर्स हो, कहीं एडवोकेट हो, कहीं इंजीनियर हो, तो आप बच्चों को क्या कहते हैं, हम क्या यहां तक ऐसे ही आए हैं क्या, हमको कुछ समझता नहीं क्या, हमने भी तो पढ़ाई किया है ना, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं, क्यों तुमको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में? ये आप बच्चों को अपने कहते हो। और एडिशनल आप बोलते हो क्यों तुम्हारे साथ में बैठने को होना, क्यों बैठने को होना मुझे बताओ, हमको क्या हमारे पेरेंट्स ने हाथ पकड़ के सिखाया है क्या, हम हमारा अपना सीखे हैं? अब ये देखिए मैं एडवोकेट बन गया हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये ऐसे ही रहते हमारे पेरेंट्स के हमारे पीछे बैठे थे, फिर तुमको क्यों नहीं करते आता? ये आपकी रिएक्शन से। कभी कभी तो आप ये भी कहते हैं कि सर ये जो बच्चा है ये किसी काम का नहीं है, इससे आपको जो करवाना है वो कीजिए, इसको मारना है मारिए, इसको डांटना है डांटिए, ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं। अब मुझे बताइए ये आपके स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन से ये पूरी तरह आपके लिए है, 90% फॉर यू एंड 10% फॉर द फॉर योर रादर वर्ड्स, आपके बच्चों के लिए 10% है। अब आगे, अब इतना हो गया, कैटेगरीज हो गया, आप नॉर्मली क्या कहते हो, उसके बाद में आपकी अपेक्षाएं क्या है, अब मुझे बताओ आपसे
नॉर्मली क्या गलतियां होती है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिक्स सेवन एट इन फिफ्थ से लेके पकड़ लीजिए, पांचवी से लेके तो आठवीं क्लास तक जब आपका बच्चा आता है तब क्या होता है, ऐसा हो रहा है कि बच्चे को आपको अच्छे मार्क्स, अब बच्चे को अच्छे मार्क्स है तो आप इतने खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हो कि बस आपको लगता है कि मेरे बच्चे से अच्छा तो और कोई है नहीं, तो फील लाइक दैट ओनली। ये इस बहाने क्या होता है कि आप ये देखते नहीं हो कि बच्चा खुद किस तरह से विचार कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है ये आप बिल्कुल देखते नहीं है। आपको ये जानकारी नहीं हो रही है कि फिफ्थ से लेके तो एट तक बच्चे की पढ़ाई, रादर मैं कहूंगा कि स्टडी जो है वो इतनी सी है, बहुत छोटी सी है। अब जिसको हम कहेंगे स्टडी कम है तो बच्चे क्या करते हैं, मगअप करते हैं। जिसको हम कहते हैं कि बस एक बार उसको क्रैम अप करता है, अब मगअप कर लिया तो उसको लगता है कि बस अब आगे इतना सारा इतने से पढ़ाई है, उसको अगर एक बार दो बार चार बार ढंग से घोक डाला तो बस खत्म बात, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका काम बन जाता है, उसको मार्क्स मिलते हैं। आप कभी ये पूछ नहीं रहे हैं कि तू किस तरह से पढ़ाई करता है, क्योंकि क्योंकि उसको फिफ्थ से लेके तो एक तक जब उनकी पढ़ाई इतनी सी है उनको मार्क्स। अब उसी में आप लोग क्या कहते हो कि मार्क्स अच्छे हैं, इसलिए ये आप समझ के नहीं ले रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। अब उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या कर रहे हो, आपको जरूरत, बच्चे को एक्चुअली क्या हो रहा है, बच्चा तो बेचारा आपका छोटा है, इतने मार्क्स मिल रहे हैं ना, बच्चे को जरूरत है ना, आपको समय है। और दूसरा ऐसा है कि बच्चे के मार्क्स यूं समझ लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टॉप टेन में पकड़ लीजिए। अब बच्चा आपका टॉप टेन में है तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, आपको लगता है बस वो ही वाज डूइंग वेल, अच्छा ही पढ़ रहा होगा। लेकिन डियर पेरेंट्स ये बात समझ लो, फिफ्थ से एट तक स्टडी जो है वो बहुत छोटा है, उसको वॉल्यूम जो है वो बहुत छोटा है। अगर बच्चे को ढंग से आपको पढ़ाना है तो उसी दौरान उसी दरमियान उन पर ध्यान रखने की जरूरत है कि वो किस तरह से पढ़ रहा है, क्या सोच रहा है। जब तक आप इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे क्या होगा, बस वो वैसे ही करता जाएगा। और पांचवी से लेके तो आठवीं तक ये समय जो है ये चार साल का समय है, ये बहुत बड़ा है। अब यहां पर जो संस्कार हो जाते हैं वो परमानेंट होते हैं, बिकॉज दैट इज द फॉर्मेटिव एज। अब वो फॉर्मेटिव एज में अगर उनको उनके भरोसे छोड़ दिया जाए क्या होने वाला है, बस वो वही करेंगे जो उनको ठीक लगता है। और एक दूसरी बात है, जो क्लासेस फाउंडेशन पढ़ाते हैं 8, 9, 10 वो कुछ और ही भ्रम फैलाते हैं, वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि 10 तक तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी आपको करना है वो 11, 12 में करना है, तो 10 तक कुछ नहीं करना है। तो मेरे भाई दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि पांचवी से आठवीं फॉर्मेटिव, 9, 10 दैट इज कॉल्ड सीमेंटिंग, वो फॉर्मेटिव एज है और ये सीमेंटिंग एज है। जो वहां पर उन पर संस्कार हुए हैं उस पर सीमेंटिंग होता है, मतलब वो पक्के हो जाते हैं 9th और 10th। अब जो संस्कार पांचवी से लेके दसवीं तक पक्के हो गए हैं आपके बच्चों को, अगर 10th तक न पढ़ने की आदत है या सिर्फ घोक कर पढ़ने की आदत है या मगब करने की आदत है, मुझे बताइए 11th 12th में वो कैसा पढ़ेगा। और ये फाउंडेशन क्लास वाले बताते हैं कि 10th तक तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्या 11th 12th में कोई मैजिशियन आने वाला है, इतना सारा चेंज करने वाला है। दोस्तों कोई कुछ भी बताए, बच्चे आपके हैं, इसलिए 5th to 10th ये जो पूरा का पूरा 6th ईयर है ये सब के सब बहुत फॉर्मेटिव है। अगर 5th से लेके 8th तक उन पर ध्यान दो, 9th और 10th में जो भी सीमेंटिंग होगा वो सीमेंटिंग अगर गलत ढंग से हुआ है तो 11th 12th में he or she will not be able to cope up at all। That is because, जैसा मैंने बताया, 5th to 8th में कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं, volume छोटा, 9th 10th में एकदम double, और 9th 10th से double होता है 11th 12th। अब ये हर जगह अगर double double होता जा रहा है, तो इसमें हमारे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि अच्छा ही होना है।
अब और एक बात के साथ में मैं आज का सेशन खत्म करूंगा, वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि 5th to 8th में बच्चों को मार्क मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं वो देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में, अगर आप में से किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा, इंडियन क्रिकेट टीम में दो अच्छे प्लेयर्स हैं, एक है इंडियन टीम का कैप्टन विराट कोहली और दूसरे है हार्दिक पांड्या। अब मुझे बताइए ये दोनों प्लेयर्स खेलते हैं, विराट कोहली भी खेलता है हार्दिक पांड्या भी खेलता है, अब आपका बच्चा विराट कोहली है या हार्दिक पांड्या है ये आपको देखना है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्दिक पांड्या जो है इज अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो क्या करता है, समझो 10 मैचेस हुए हैं तो 10 मैचेस में से 2-3 मैचेस में स्कोर करता है, उसके पास टेक्निक, ढंग का टेक्निक नहीं है, फिर वो क्या करेगा, आया चौका छक्का बस यही काम है उसका। अब 2-3 मैच में अगर हार्दिक पांड्या ने अच्छा स्कोर कर लिया तो सबको लगता है कि क्या खेल रहा बच्चा, वैसे ही 2-4 जगह पर ये 5th to 8th में अगर हमारे बच्चे ने अच्छे स्कोर कर लिए, कहीं पर चौके छक्के मार दिए, आउट ऑफ मार्क्स आ गए, तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि बस अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट इन द इंडियन टीम। लेकिन दोस्तों जब टेस्ट मैचेस खेलने की बारी आती है, जब क्रंच सिचुएशन में खेलने की बारी आती है, जब डिफिकल्ट पिचेस पर खेलने की बारी आती है, जब टेक्निक की जरूरत पड़ती है, जब टेम्परामेंट की जरूरत पड़ती है, तब सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली खेलता है, हार्दिक पांड्या नहीं, इसलिए कि विराट कोहली के पास में सही टेम्परामेंट है, पहले से लेकर आज तक 100% टेम्परामेंट है, दूसरा बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कौन सी सिचुएशन में कैसा खेलना है उसको कंप्लीटली मालूम है, कौन सी पिचेस पे कैसा खेलना है ये उसको मालूम है, हर चीज का पूरा एनालिसिस करने के बाद में ही वो खेलता है। That is why he is the captain of the team. He is probably the best player in the world right now. वो तभी बेस्ट बन सकते हैं आपके बच्चे जब वो विराट कोहली मोड में पढ़े, न कि हार्दिक पांड्या मोड में। इसलिए आपके लिए जरूरी यह है कि पहले ये देखिए कि हमारा बच्चा हार्दिक पांड्या है या विराट कोहली की तरह खेल रहा है। इसलिए आपका काम यह है कि बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरी है आपका समय। दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं क्योंकि अगले सेशन में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात होगी। कौन से सब्जेक्ट पे बात होगी, पहली बात बच्चों के पढ़ाई के बारे में डिटेलिंग होगा कि आपका बच्चा पढ़े तो कैसा पढ़े, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से रिविजन करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उसको समझता है क्या, बॉडी लैंग्वेज उसको समझती है क्या, आप उसको समय का सदुपयोग पढ़ाते हैं क्या, कौन से वक्त में कौन से विषय का अभ्यास करना चाहिए, आदि 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 बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ में शेयर करना है। आप हमारे हैं, आपके बच्चे भी हमारे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उसमें इन सब चीजों का डिटेल रहेगा। दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा, ये संडे को अपलोड आपके लिए हो जाएगा, आप इसे ध्यान से देखिए, ये अगला भी संडे रहेगा उस पर भी आपके ही बारे में बात होगी, आपके ही बच्चों के बारे में बात होगी, और यहाँ पर जो बात होगी वो परमानेंट बात होगी, आपको बहुत मजा आएगा ये सब सुनने के लिए। और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर आप देखिए, आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो आप मुझे फ्रीली दीजिए, और इस तरह से हम ये माय बोली कोचिंग क्लासेस की तरफ से कोशिश करते हैं कि हर संडे, एवरी संडे आपको आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया नया दे जाएंगे आप लोग, और वो हर संडे आप एंजॉय कीजिए, और ये जो वीडियो है इस पर आपके फीडबैक्स जो है वो आप मुझे देते रहिए, और कुछ और अपने बच्चों को बस इतना ही, इतने लाइन के साथ मैं छोड़ता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आज का जो सेशन था उसका बॉटम लाइन ये है कि दोस्तों आपको आपके बच्चों को थोड़ा समय देना जरूरी है। अब समय क्यों देना है, कैसा देना है, ये सब की डिटेलिंग अगले वीक में मैं करूँगा, ठीक है। चलो आपके लिए हैप्पी संडे, थैंक यू वेरी मच।